अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हसन टेक्निकल आइडियाज़। दोस्तों आज की वीडियो में हम चाइना शीट की वायरिंग कनेक्शन करना सीखेंगे। हमारे पास दो बटन दो साकेट वाली चाइना शीट मौजूद है, तो इसका हम कनेक्शन करना सीखेंगे। बटन के जो ऊपर वाले पॉइंट में हमने फेस की तार लगानी है और साकेट के नीचे वाले पॉइंट में हमने न्यूट्रल की तार लगानी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बटन के ऊपर वाले पॉइंट में तार लगाएँगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि नए आने वाले वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तार को हमने छील के इकट्ठा करना है। तो जो ऊपर वाले पॉइंट है हमने बटन के, उसके जो नट लगे हुए हैं वो हमने लूज़ करके तार को अंदर डाल देना है और नट हमने टाइट कर देना है। दोस्तों ये हमारी फेस की तार लग चुकी है। दोस्तों अब हम दो नीचे वाले पॉइंट में न्यूट्रल की तार लगाएंगे। तो तार को हमने बराबर से छील लेना है, छील के इकट्ठा कर लेना है और जो नीचे वाले जो सॉकेट के पॉइंट हैं उसके जो ऊपर वाले नट लगे हों वो हमने ढीले करने हैं और तार को अंदर डाल के नट को टाइट करना है। दोस्तों ये हमारी न्यूट्रल की तार। दोस्तों ये बटन के जो ऊपर वाले पॉइंट में हमने फेस की तार लगाई है, नीचे वाले पॉइंट के साकेटों में हमने न्यूट्रल की तार लगाई है। तो अब हम एक बटन से एक साकेट को कनेक्शन देंगे, दूसरी से बटन को दूसरी साकेट से कनेक्शन देंगे। तो तार के पीस को हमने छील लेना है, तार के पीस को हमने काट के बराबर कर लेना है। दूसरा तार का पीस भी हमने बराबर ही काट लेना है और दूसरी साइड से भी हमने उसी तरह हम छील लेना है। दोस्तों बटन के पॉइंट में तार लगा रहे हैं हम। दोस्तों बटन के पॉइंट से हमने तार लगाई है सॉकेट के पॉइंट में। अभी दूसरी तार भी हमने वैसे ही लगानी है जैसे हमने पहले लगाई है। तो बटन के पॉइंट से हमने दूसरी तार भी सॉकेट के पॉइंट में लगाई है। दोस्तों ये हमारा वायरिंग कनेक्शन लग चुका है। तो जो ऊपर वाले पॉइंट है बटन के उसमें हमने फेस की तार लगाई है, सॉकेटों के जो नीचे वाले पॉइंट हैं हमने न्यूट्रल की तार लगाई है। एक बटन से हमने इस सॉकेट को कनेक्शन दिया है, इस बटन से हमने इस सॉकेट को कनेक्शन दिया है। दोस्तों इस शीट का लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका जो ऊपर वाला बॉक्स है वो हम उतार लेंगे। तो जो भी आपके पास बोर्ड है, अगर ओपन बोर्ड है या अंडरग्राउंड बोर्ड है, तो उसको ऊपर लगा के आप इसको पैच टाइट कर सकते हो।